नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान नई भर्ती 2020 को लेकर महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं, जो राजस्थान निकाय भर्ती को लेकर आ रखी है, जिसमें बता रखा है जो अपने राजस्थान नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद है, जो निकाय विभाग रहता है, उसके अंदर 19,000 से भी ज़्यादा पद रिक्त है। एंड जो नई भर्ती के लिए विभाग ने इतने पदों पर स्वीकृति दे दी है, तो हम देखते हैं आपके कौन कौन से पद है और कितने पदों पर जो वित्त विभाग की तरफ से स्वीकृति मिल चुकी है, जो आपकी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के अंदर ये वैकेंसीज आने वाली है। तो हम देख लेते हैं इस न्यूज को। और दोस्तों, आप जो हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल की लिंक देख सकते हैं, जिसका नाम आपको मिल जाएगा टेक्नो राजस्थान ऑफिशियल नाम से। ठीक दोस्तों, तो वहां पर जाकर आप हमसे जुड़ जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, जहां पर आपको पीडीएफ, एजुकेशन न्यूज, सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो आप सभी देख सकते हैं जो इसमें बता रखा है 19,000 से पद रिक्त, जो नगरीय निकायों की अंदर वैकेंसी को लेकर यहाँ पे आ रखी है, और 19,000 से ज़्यादा पद अब ये वर्तमान इसके अंदर इसमें रिक्त है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश के 33 निकायों में 19,220 पद रिक्त है। ठीक दोस्तों, एंड जो स्वीकृति बहुत ही कम मिली है, 19,200 पद रिक्त है, एंड जो सरकार ने 973 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दे दी है। ठीक है, तो 273 पदों की स्वीकृति दे दी है, और किस डिस्ट्रिक्ट में कितने क्या पद रिक्त खाली है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रदेश में इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें प्रदेश के निकायों में अधिशासी अधिकारी के 46 पद है, राजस्व अधिकारी यानी जो रेवेन्यू ऑफिसर रहता है उसके 14 पोस्ट है, एंड जो सहायक अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर के, कनिष्ठ अभियंता के जो, सॉरी, असिस्टेंट इंजीनियर है यहाँ पर, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर सहायक अभियंता के 236 पद हैं, एंड जो अब अग्निशामक अधिकारी के 29 पद है, एंड जो फायरमैन ऑपरेटर के 607 पोस्ट है। तो इन पदों पर आपकी वैकेंसी आने वाली है, लगभग 1,000 पदों की यहाँ पर अभी स्वीकृति मिल चुकी है, जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, और भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अन्य पदों पर भर्ती स्वीकृति भी जो निगम की आर्थिक स्थिति को देखकर जारी की जाएगी। इसके अंदर अन्य पदों में आपकी LDC हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गया, तो इनके ऊपर भी जो फाइल चल रही है, तो जल्दी इन पदों पर वैकेंसी निकलेगी। एंड जो वर्तमान में स्वीकृति जारी हुई है वो आप देख सकते हैं, और ये जानकारी आपको हमारी वेबसाइट technoRajasthan.com पर भी मिल जाएगी। और जो भी हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहता है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट technoRajasthan.com पर मिल जाएगी। ठीक दोस्तों, तो आप सभी को ये जानकारी देनी थी। 19,000 पद रिक्त है, जिसमें से 1,000 पदों के लिए भी फिलहाल स्वीकृति मिली है, और जल्दी इनके ऊपर वैकेंसी भी निकाली जाएगी। राजस्व अधिकारी का हो गया, आपके सहायक अभियंता का हो गया, एंड जो आपके अग्निशामक अधिकारी का हो गया, फायरमैन ऑपरेटर का हो गया। तो ये जानकारी आपको देनी थी, और ये PDF, ये न्यूज़ आपको चाहिए तो technoRajasthan.com पर, और जो ग्रुप में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट।